हे गाइस वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं फिर से क्रोमोन खेलने जा रहा हूँ जिसे मैंने काफ़ी दिनों पहले खेला था। तो इसके पहले के एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था कि मैं अपने मीनो का इसके साथ ट्रेड करूँ या नहीं करूँ, तो किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन मुझे तब पता नहीं था कि ये हमारे लिए क्विस्ट है, तो इसे करना ज़रूरी है। तो श्योर आई डिड, मैं करूँगा। तो गुड बाय मीनो, बाय बाय। ओ देट इज एन एडोरेबल मीनो, आई विल ग्रेटली ट्रेड माई बूज फॉर इट। ओके मीनो लेफ्ट योर स्क्विड, बूजी ज्वाइनड योर स्क्विड। थैंक यू, प्लीज टेक केयर ऑफ माई बूजी। ऑफ कोर्स, बूजी इज इन गुड हैंड्स। Awesome, I'm off to train my new Mino in Radiant Park. Perhaps we will meet again. Sure, जरूर मिलेंगे। तो गाइज हमने क्विस्ट कंप्लीट कर लिया फाइंड द मीनो का। अब देखते हैं और कौन से क्विस्ट हैं हमारे पास। तो एक है प्रोजेक्ट चिमारा और एक स्पिनर प्रॉब्लम्स। आई थिंक स्पिनर प्रॉब्लम्स का जो क्विस्ट है वो मैं पीछे ही भूल के आ गया हूँ। फिर मैं जब भी जाऊँगा वहाँ तो मैं उसे भी कंप्लीट कर दूँगा। There was a time when we didn't have any technology in this town, but the times they are changing. Oh wow, nice. Well, this is deep. Okay. Or Bodhiamma. Did you visit a library already? There are so many books in there, but so little time to read them all. Okay. आई थिंक ये लाइब्रेरी अभी बंद है। ये क्या है? ये है ट्रेनर हब। तो मुझे अभी अपने क्रोमोन्स को भी हील करना होगा। सो आई थिंक यहाँ पे हो जाएंगे। और राइट गाइज हो गया। इसके लेफ्ट साइड भी एक रूम है, आई थिंक इसी का एक हिस्सा है वो भी। Helping at the trainer hub is great. I get to see all kinds of Chromon. Oh, nice. इस बॉक्स में हमें एक फिक फ्रूट मिल गया और एक जाओ फ्रूट मिला। ओके I love it when Nina comes over. I hope she is here for me. No. Na. Our village didn't have a trainer hub for a long time. That's why we have set one up so that we can help passing trainers and their chromons. बहुत अच्छा किया आपने अंकल जी। इसमें कुछ होगा आई थिंक। सो इसमें हमें मिला HP केक। ऑलराइट रास्ता कहाँ गया? ओके ऊपर से है। इससे बाहर जाने का भी रास्ता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमें। ओ वाह, यहाँ पे बहुत सारे स्वर्मीस हैं। ये तो काफ़ी एंग्री लग रहा है, पता नहीं क्यों। ओ स्लाइथर पीन भी हैं, ये भी गुस्से में है बहुत। बस ये एक मिला जो मुझे देखकर खुश हुआ। नाइस। This Chromon looks so happy walking around freely in the field. I would never dare to put them in spinners. I mean, how would they even fit? Lol. Okay. So I think जो हमारा एक प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें मिलना होगा ब्लैक स्मिथ पेरेंट्स से। पेरेंट्स वर्कशॉप। सो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे पेरिन। ये डोर लॉक है क्या? ओके यहाँ पे कोई नहीं है तो ब्लैक स्मिथ पेरिन नहीं है उनके वर्कशॉप में। इसमें एक स्पिनर मिल गया। ओके यहाँ से तो रास्ता नहीं है कहीं जाने का। फेक फ्रूट, और ये इसके वजह से मैं जा भी नहीं सकता। ये जो बीच में वुड आ गया है। ओके okay.
देखते हैं अब आगे क्या होता है। There is an old man here. चलो उनसे बात करते हैं। Zudus, who lives in the eastern part of town, is a great gardener. His fruits are the tastiest. Maybe I should pick up a hobby as well. So guys, अंकल जी का कहना है कि इस टाउन के ईस्ट में एक और अंकल है जिनका नाम है जुदूस, जिनके फ्रूट्स काफ़ी टेस्टी होते हैं और वो एक गार्डनर है। ओके, जब हम जाएंगे तो उनसे भी मिल लेंगे। हमें मिला एक पेशेंट। ओके, आई हैव बीन सीडिंग एंड प्लोविंग सो लॉन्ग दैट इवन माई वाइफ थिंक्स माई माइंड इज गॉन, बट आई एम अ मैन ऑफ द लैंड विद क्विट सम डिसिप्लिन। वाह, क्या बात कही इन्होंने। एंड बिफिटिंग दिस जॉब आई ग्रो अ बियर्ड ऑन माई कॉइन, बट इफ ऑल चोर्स आर डन एंड ऑल इज वेल एंड फाइन, हार्वेस्ट फेस्ट इज हियर एंड वी विल इंजॉय द पार्टी टाइम। वी हैव स्पेंड मोस्ट ओवर लाइफ लिविंग इन दिस स्मॉल पैराडाइज एंड वी लाइक इट सो मच दैट वी विल लाइव आउट द रेस्ट हियर। ओके, कॉम्बी केक। यहाँ नीचे से भी रास्ता है ना। ओके, यहाँ पे भी एक बॉक्स है जिसमें हमें एक कूपन मिला 25% डिस्काउंट वाला। ओ, यहाँ पे तो पूरा खेती की गई है। अबीजल देयर। ओके, पेरिन इज रैपिड कोर्स दोस बीजल। तो हमें फाइनली पेरिन मिल गए जिन्हें एक बीजल ने ट्रैप में फंसा के रखा है। हमें उनकी मदद करनी होगी, लेकिन उसके पहले हम इस बॉक्स में देखेंगे क्या है। इसमें है एक पियोनिक शार्ड। तो अब जाते हैं, पेरिन की मदद करते हैं, बीजल से बचाते हैं उनको। बीजल लेवल 8 का है और हमारा टूगा लेवल 7 का है, तो आई थिंक टूगा फिर भी उसे हरा दें। सिंडर से एक और सिंडर करता हूँ मैं इसके ऊपर। नहीं, काम नहीं बना मेरा, पॉइजन हो गया उल्टा टूगा को। बीजल का वेनोमस बीज जो है काफी पावरफुल अटैक है। एक तो पॉइजन भी करा देता है, ऊपर से काफी अच्छी पावर भी खत्म कर लेता है वो ओपोनेंट की। इस बार तो स्लैम से ट्रूगा को फेंटेड कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि स्लैम करेगा। पी बीस्ट को भेजता हूँ मैं, निराश मत करना पी बीस्ट। वैसे लेवल 5 का है लेकिन कमजोर भी नहीं इतना। एक और स्लैम और डीजल का काम खत्म। ओ, क्रिटिकल हिट हो गया। नहीं होता तो भी हम ही जीत जाते हैं। वेल डन पीबीस, लेवल 6 का हो गया। नाइस, तो मैं इसका एक एचपी बढ़ा देता हूँ, एक अटैक और एक और कुछ नहीं बढ़ा सकता कंफर्म। ओके, चूगा भी लेवल 8 का हो गया। वाह, ये अच्छा है कि अगर कोई क्रोमोन पेंट भी हो जाता है तो भी उसे एक्सपी मिल जाता है। व्यू, थैंक्स फॉर दैट, आई थॉट आई वाज अ गोनर। I was just walking on these here fence and then suddenly that beetle shook up of me. Okay, all right. Anyway, thanks for helping me out. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। I am glad I could help. Since you were walking on that fence, are you by any chance the blacksmith Perrin? The one and only. Wow, there is no metal blacksmith around. But who is asking? इसने पूछा। माई नेम इज टेंडर, आई वॉज सेंड बाय रिगल टू फाइंड यू। ओ, टू हैव एन एसेंस कलेक्टर इंस्टॉल्ड, रिज्यूम। ऑलराइट, लेट्स गेट राइट टू इट मैन, कम लेट्स गो टू मी वर्कशॉप।
सो गाइस, हमें ब्लैक स्मिथ पैरिन मिल गया, वो हमारा काम करने के लिए भी राजी हो गए हैं और हम उनके वर्कशॉप में आ गए। वाह, फ्रॉम द लुक्स ऑफ दिस वर्कशॉप यू मस्ट बी क्विट बिजी। ए आई शो एंड आई हैव बीन मेकिंग स्पिन ऑलमोस्ट डे एंड नाइट फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स। ओह, आई एम वन ऑफ फ्यू पीपल वर्किंग फॉर लव सोलिस दैट आर स्किल इनफ टू मेक स्पिनर्स। ओहो, सो ए आई हैव बीन वर्किंग हार्ड बट आई कैन हेल्प यू विद योर गॉन्टलेट। आई एम क्विट फैमिलियर विद लव सोलिस टेक्नोलॉजी सो आई शुडंट टेक लॉन्ग टू इंस्टॉल अ मॉड्यूल। ये काफ़ी अच्छी बात है कि कम समय में हमारा काम हो जाए। थैंक्स, हियर इज माई गॉन्टलेट एंड हियर्स द मॉड्यूल। तो मैंने अपना सेंस कलेक्टर ग्रॉन्टलेट उन्हें दे दिया है। वो कह रहे हैं कि काफ़ी कम समय में वो हमारा काम कर देंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। राइट, आई विल बेटर गेट इट डन वाइल आई वर्क ऑन योर ग्रॉन्टलेट। व्हाई डोंट यू विजिट द लाइब्रेरी, यू कैन पिक अप सम हैंडली हैंड बुक्स देयर व्हिच विल शोल हेल्प यू ऑन योर एडवेंचर। ओके, तो इनका एक छोटा भाई है जो कि वहाँ पे हमें लाइब्रेरी में मिल जाएगा, जो कि बुक वॉर्म है। कम बैक वंस यू हैव रीड एम ऑल, आई एम श्योर आई विल बी डन बाय देन। दैट साउंड हेल्पफुल, आई विल गो चेक आउट द लाइब्रेरी। तो हम जरूर जाएंगे लाइब्रेरी में, तब तक ये हमारा काम भी कर देंगे और हमें काफ़ी नॉलेज भी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलो चलते हैं लाइब्रेरी में, इनका जहाँ पे छोटा भाई भी है उनसे भी हम मिल लेंगे। आई थिंक अभी लाइब्रेरी जो है वो ओपन हो गई होगी, इसके पहले जब मैं गया था तो वो क्लोज थी, लेकिन उसके पहले मैं जाके अपने क्रोमोन्स को हील कर देता हूँ। और राइट गाइज, अब हमें जाना है लाइब्रेरी, लेकिन उसके पहले मैं एक बार और क्विस्ट देख लेता हूँ। जो है पेरिन सेड हिज ब्रदर एट द लाइब्रेरी हैज़ हैंड बुक्स फॉर मी। तो हमें हैंड बुक लेने जाना है लाइब्रेरी में पेरिन के लिटल ब्रदर के पास। ओके, लाइब्रेरी में दोनों साइड रास्ते हैं, तो मैं पहले इस साइड जाता हूँ। यहाँ पे एक चेस्ट है जिसमें देखता हूँ क्या मिलेगा। इसमें है स्टिंग की सेंड। I am studying hard so I can join Lux Solis and become a strong trainer, but the books Marin gave me were too complex for me. Okay, I am looking for a specific beginner's handbook now. I had Chromium Basic is somewhere in this library as well, but I can't find it. तो शायद हमें इनकी मदद करनी होगी एक बेसिक बिगिनर बुक ढूंढने में। ओके, हम करेंगे जल्दी से जल्दी। Zebedia challenged me to a duel of wits. At least now I know I'm not ready to be a trainer yet. Okay. Hey, why do you carry a book on your head? What do you mean? Only the smartest person in town is allowed to wear this awesome hat. Oh, okay. I see you glancing at it. Do you think you should be the one to wear it? I think it would look so good on me. Well, you have to defeat me first. But that will be impossible because I am the smartest person around. I will show you by challenging you to a battle. Okay, alright. Karenge hum. A Chromon battle in a library. Haan, sahi baat hai. Oh, no. Not that kind of battle. We will find out who is the most knowledgeable. What do you say? Going it on? जरूर। नो, आई विल पुट यू टू द टेस्ट एंड सी इफ यू नो मोर देन आई डू। हियर वी गो। हाउ मेनी प्रोसेंशियल वैल्यू वेराइटीज आर देयर? आई थिंक 21 सही होगा। ओके, 21 करता हूँ। करेक्ट, वाइल देयर आर थ्री डिफरेंट कैटेगरीज द प्रोसेंशियल वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम 1 अप टू 21। ओके, नॉर्मल इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट घोस्ट, नथिंग, नॉर्मल, एवरीथिंग। मुझे लगता है नथिंग, क्योंकि नॉर्मल तो नॉर्मल है ना।
सर एक नॉर्मल है स्नो टाइप्स अगेंस्ट विच इज वेरी इफेक्टिव। हाउ मेनी क्रोमोन स्पेसीज आर करंटली नोन टू एग्जिस्ट इन वैल्यू? 118। दैट्स राइट, देर आर करंटली 118 स्पेसीज डिस्कवर्ड इन वैल्यू। देर आर टाइप्स विच कैन ओनली बी फाउंड ऑन स्किल्स? फॉल्स। सो क्लोज बट दैट्स नॉट करेक्ट। हार गया मैं यार। ओके कोई बात नहीं, फिर से आऊँगा, मैं इसे चैलेंज करूँगा, तब देखते हैं कौन जीतेगा। यहाँ पे फिलहाल तो जो चेस्ट है उसे ओपन करता हूँ। यहाँ से नहीं हो रहा, यहाँ से हो जाएगा आई थिंक, जिसमें हमें एक ट्विक स्पिनर मिला। और राइट, अब उस साइड के लाइब्रेरी में जाता हूँ मैं। ओके आई थिंक वहाँ पे पेरिन का लिटिल ब्रदर भी मिल जाए। देर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स हियर, आई कांट डिसाइड विच बुक आई वॉन्ट टू रीड नेक्स्ट। द हिस्ट्री सेक्शन इज माई फेवरेट, यू कैन फाइंड सम बुक्स विच आर इवन ओल्डर देन वैल्यू इटसेल्फ। हाँ हिस्ट्री सेक्शन मेरा भी फेवरेट है। यहाँ पे तो काफी सारी बुक्स हैं। मेरविन, हेलो देव, आई थिंक यही पेरेंट्स ब्रदर होगा। ओ डिड यू वॉन्ट समथिंग? योर पेरेंट टोल मी आई कुड फाइंड बुक्स फॉर बिगिनिंग ट्रेनर्स हियर, डू यू नो वेयर आई कुड फाइंड देम? माय ब्रदर पेरेन, ही डजंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नॉलेज। He mocks me for reading all of this book. Says I should contribute to the town. Okay. Instead, he is working on his anvil all day. Now, what does that do? I really did. The pen is mightier than the sword. Right? Yes, right. सही है. कलम में ज़्यादा ताकत हो सकती है. Sword से. A fellow book lover. It seems I misjudged you here. Let me help you get some books. Okay. For a beginning trainer, you said, I know just the one. तो पेरेंट्स का ब्रदर जो है मैं कुछ बुक्स देगा अभी, जिससे शायद मैं और ज़्यादा नॉलेजेबल ले सकता हूँ क्रोमोन्स के बारे में, और फिर उसे जाके भी हराना है हमें। One more over here. इतनी सारी बुक्स दे रहा है। एंड द लास्ट वन, इफ यू रीड ऑल ऑफ दिस यू विल नो एवरीथिंग अ बिगिनिंग ट्रेनर शुड नो। ओके परहैप्स यू विल इवन टू बी एबल टू पास जेबहाजी क्विज। ही लाइक्स टू थिंक ही इज द स्मार्टेस्ट, सो ही चैलेंजेस अदर्स टू अ बैटल ऑफ विट्स। मेरे साथ भी किया था। ही ऑफ्टन हैंग्स अराउंड इन द रीडिंग। वेल हियर वी गो, एक ट्रेनर मिला है, एक क्रोमोन हैंडबुक मिला है और प्रोसेंशियल हैंडबुक मिला है, स्टेट हैंडबुक भी दिया इसने। एंड दैट्स अ लॉट ऑफ रीडिंग मटेरियल, स्टडी वेल एंड यू विल बिकम अ ट्रेनर। दैट्स नॉट टू बी अ ट्रिफलेड विद। आई विल कीप ऑन आई आउट फॉर अदर्स बुक्स दैट माइट बी यूजफुल फॉर यू, एंड देन आई विल सेंड यू अ मैसेज टू लेट यू नो। ओके थैंक्स, बाय नाउ। सो गाइस, इसने हमें काफ़ी सारी बुक्स दिया है जिसे मुझे पढ़ना भी होगा, और फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर से जाऊंगा और उसे चैलेंज करूंगा, जिससे मैं इस बार हार गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं हारूंगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।